आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो और 60,000 लोग स्थापित वो रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस नो बाद में की, तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी, ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रख कर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 दो दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जन हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते, वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को
उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, दो मिनट में मेरा माइक बंद, दो मिनट नहीं, दो सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैथिली कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए अब तक वहाँ नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे, तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजमेंट मोशन ये हमेशा पहले देते गए हैं हमारे पास। मैं पढ़ के बता सकता हूँ लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है उसके अंदर है, वहाँ पर इतनी गड़बड़ी चल रहे, लोगों को जाके मार रहे हैं, ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नज़दीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीज़ों को वहाँ पर बताए, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं वो भी है। तो इतना सारी चीज़ें हम बताए, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने सांसद को सुना। मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए या बात करे, वहाँ का सिचुएशन क्या है, और वहाँ पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए, और वहाँ के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। सर, एक सवाल है, क्या सवाल है, क्या आप कह रहे हैं कि सरकार को